हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल हेल्थ एंड विकास 24 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चर्बी कम करने की ऐसे 6 उपाय, ऐसी 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी जो पेट की चर्बी है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा, ये हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। और फ्रेंड्स, हर रोज की तरह रिक्वेस्ट, अगर चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं जो पहली चीज़ वो क्या करनी है हमें। तो सबसे पहले आपको नंबर 1, स्टे हाइड्रेट। स्टे हाइड्रेट का मतलब है फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपने बॉडी में मतलब पानी की कमी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, क्या है, अपने फ्लूड की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में उसको पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में बने रखिएगा। आप उसे दिन में आप बीच में पानी ले सकते हैं और जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो, मतलब पानी की कमी ना हो। तो इससे हाइड्रेट रखना है, हमेशा फ्लूड की मात्रा को बरकरार रखना है, हमेशा बॉडी में फ्लूड की मात्रा को मेंटेन रखना है, कभी भी फ्लूड की मात्रा को कम नहीं होने देना है फ्रेंड्स। तो ऐसे में आप सुबह को गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुने पानी पीने से ये होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो बॉडी है, जो आपकी सुबह गुनगुना पानी पियेंगे, जिससे कि आपकी जो पेट की चर्बी है उसको कम करने में काफ़ी लाभ होगा फ्रेंड्स, और काफ़ी फायदेमंद होगा आपको सुबह को गुनगुना पानी पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो पहला उपाय हो गया, पहली चीज़ होगी जो आपको करनी है, मतलब पानी की कमी बिल्कुल भी बॉडी में नहीं रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीना है और शरीर को तरल रखना है, मतलब पूरी तरह से फ्लूड पूरा होना चाहिए बॉडी में, और सुबह को गुनगुना पानी पिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो चर्बी घटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा है फ्रेंड्स, कट शुगर। तो फ्रेंड्स, आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, मतलब जो आपको मिठाइयाँ होती हैं जैसे रसमलाई है, रसगुल्ला वगैरह हो गया, जलेबी हो गई, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि शुगर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज देती है और ये कैलोरीज आप पचा नहीं पाते, मतलब आप इतना बर्न नहीं कर पाते, इससे फैट बढ़ता जाता है और जो पेट का जो हमारा जो पेट होता है वो बहुत ज़्यादा आगे को निकलने लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें हैं, जैसे हो गई आपकी जलेबी हो गई, पेस्ट्री हो गई, या फिर बिस्किट्स हो गई, या फिर डोंट्स वगैरह हो गए, या फिर कैंडीज, मतलब जो आपकी टॉफियाँ वगैरह होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है फ्रेंड्स, बिल्कुल अवॉइड करनी है। जिस किसी की टॉन्ग बहुत ज़्यादा निकल आई है, बाहर को चर्बी आ गई है पेट की, तो उन लोगों को अवॉइड करनी है शुगर को, और चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी है फ्रेंड्स। ये दूसरा उपाय करना है, दूसरा काम करना है। बात करते हैं ऐसी तीसरी चीज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स वो है इंक्रीज प्रोटीन। तो आप अपने खाने में इंक्रीज प्रोटीन करिएगा, मतलब प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा जो है वो काफ़ी देर में पचती है, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगेगी, और वो क्या है कि आप जल्दी जल्दी खाना भी नहीं खाओगे। अगर आप प्रोटीन की मात्रा अगर मतलब खाने में ज़्यादा लेंगे तो उस टाइम पे क्या है, आप जल्दी जल्दी खाना नहीं खाएंगे, आप काफ़ी टाइम तक धीरे धीरे कैलोरीज बनती हैं उसमें क्या होता है, खाना आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, और जल्दी भूख नहीं लगेगी तो आप जल्दी खाना नहीं खाएंगे, और जल्दी खाना नहीं खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी ना बढ़ेगा, और ना ही आपका जो तौंद है, चर्बी है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी फ्रेंड्स। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं है मेरा कि आप प्रोटीन एक्स पाउडर वगैरह लीजिएगा, या फिर प्रोटीन्स के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लीजिएगा, नहीं, आप हमेशा जो हमारे जो नेचुरल खाने उसमें भी आप ले सकते हैं, जैसे कि दालें होंगी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और दही हो गया आपका बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन क्या है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे कि चर्बी घटने में काफ़ी आसानी होती है। तो दालें हो गई, हरी सब्जियां हो गई, दही हो गया, पनीर हो गया, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी ये चर्बी नहीं बढ़ेगी और प्रोटीन भी फुल मात्रा में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं चौथे के बारे में, वो काम क्या करना है हमें, तो अवॉइड फ्राइड फूड, मतलब आपको फ्राई फूड नहीं खाना है, आपको जो तेली और बसा वाले जो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड हैं वो नहीं खाने हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स बिल्कुल ही अवॉइड करना है कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, ये जो तेलीय चीज़ें होती हैं बिल्कुल ही बंद कर देनी है, जैसे कि हो गया तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा हो गया, इसको बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना है, जैसे टिक्की हो गया, समोसा हो गया, पकौड़े हो गए, पूड़ी हो गई, इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बंद कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो समोसे वगैरह जो बाहर की चीज़ें होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, फैट का मतलब है कि आप जो लोग यूज़ करते हैं ऑयल करते हैं, रिफाइंड ऑयल करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है कि वो जो तेल यूज़ करते हैं वो लोग, वो हमेशा उसी तेल को यूज़ करते रहते हैं बार बार, और उसको जल्दी बदलते नहीं हैं, तो उसमें क्या है कि ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें खाने से और घर की चीज़ें खाने से डबल ज़्यादा फैट आता है बाहर की चीज़ें खाने से। तो बाहर की चीज़ें खाने से बचिएगा, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी मत खाइए, जिससे कि आपका पेट वगैरह बिल्कुल ना निकलेगा फ्रेंड्स। तो ये तो 4 हो गए, बात करते हैं 5वें के बारे में,
तो पांचवा है ईट होल फूड्स, मतलब आपको पूरी तरह से खाने को खाना है, जैसे कि आपको मैदा बिल्कुल भी नहीं खानी है, मैदे से बनी बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं खानी है, आपको चोकर वाली चीज़ें खानी है जिनमें मैदे की जगह चोकर हो फ्रेंड, जैसे कि नाज वाली जिनके छिलके हों, जो छिलके वाले नाज वाले हैं अनाज हैं उनको खाना है फ्रेंड, डायरेक्टली मैदे को नहीं खाना है। मैदे बहुत ज़्यादा हमारी आंतों में चिपक जाती है, चिपकने के बाद बहुत ज़्यादा पूरी तरह सड़ती रहती है वो, और सही से मतलब लैट्रिन करते टाइम भी आपको पूरी तरह से पास आउट नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, आपको चोकर वाली चीज़ें खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा चोकर वाली चीज़ें खानी, जिससे आपको पचाने में आसानी हो और दिक्कत भी ना हो आपकी आंतों के लिए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा चोकर वाली चीज़ खानी है, और आप जूस की जगह डायरेक्ट फल को खाइएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जूस में वो चीज़ नहीं होती जो आप डायरेक्ट फल में खाएंगे। तो फल को खाइएगा, जूस मत पीजिएगा ज़्यादा, मैदे की चीज़ें बंद कर दीजिएगा और चोकर वाली चीज़ें खाने स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी जो टॉमी है मतलब जो पेट की जो चर्बी है, आपकी जो तौंद निकल रही है वो आपकी अंदर जाएगी और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कम होगा फैट। तो अब बात करते हैं लास्ट छठे के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पाँच सुने हैं अगर ये पाँच आप नहीं भी करेंगे, अगर ये कर लिया तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये है डोंट ईट आफ्टर 7 PM, मतलब शाम को 7 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, मतलब शाम को 7 बजे खाना बिल्कुल नहीं खाना। अगर ये आप शाम को 7 बजे के बाद खाना खाते हैं, उस टाइम पर हमारा शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम होता है बॉडी में, फैट बहुत जल्दी इकट्ठा होने लगता है। तो फ्रेंड्स फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है अगर शाम सात बजे के बाद या 8 बजे के बाद खाना खाते हैं। उस टाइम पर क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभी लोग रात को 10 बजे खाना खाने की आदत होती है, तो फ्रेंड्स जो लोग रात को लेट खाना खाते हैं उनको फैट बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं, उनका पेट निकलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ बढ़ जाती हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर आप अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या में आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका जो फैट है बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आप फिर से स्लिम और स्मूथ हो जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो फैट होता है वो दिखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, निकला हुआ पेट भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम बॉडी का जो शेप है स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाता है, जो पॉस्चर हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे में मेरी यही गुजारिश रहेगी, इन चीज़ों को आप अपनाइएगा, जो 6 काम मैंने बताए इनको आप फॉलो करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, जिससे कि आपकी तौंद या चर्बी जो भी है वो कम होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इतनी देर वीडियो देख लीजिए।